दोस्तों रोज की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है सबके मंगल की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार छोटों को मेरा आशीर्वाद मैं ठीक हूँ आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे दोस्तों आज के रामचरित मनस के बालकर्ण के प्रसंग में तुलसीदास जी ने अपने समस्त गुण दोषों का को काकार सबको फिर सिर नवाकर जितने भी गुण थे दोस्त थे और जो उनकी रचना में पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना के को जिस प्रकार से वह इस सृष्टि में विराजमान करने के सुंदर भावों का संचार करना चाहते थे तो उसमें अगर जितने भी गुण दोष गुणदोषों का उन्होंने वर्णन किया है तो सबको फिर उन्होंने सिर नवाया और जिसके परिणाम स्वरूप श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन किया और जिसके सुनने से इस संसार के इस सृष्टि के कलयुग के लिए दोस्तों केवल एक साधन मात्र मानव जीवन के लिए कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण है इस सृष्टि में जब तक उनका नाम रहेगा तब तक जब कलयुग के चार चरण में पहले चरण में पाँच सौ साल की भूमिका में जो तुलसीदास जी ने अपना योगदान दिया और सोलहवीं सदी के बाद जब उन्होंने इसकी रचना की तो इस तब उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कितने भी अच्छे भी कवि हैं और कवि है भी हैं तो समर्थ को नहीं दोष बसाई भगवान को सामर्थवान बनाने में जो समर्थवान वान पुरुष होते हैं लोग होते हैं तो उनका कोई भी दोष नहीं होता है क्योंकि उनको सब माफ होता है लेकिन मर्यादा प्रसूल भगवान रामचंद जी मात्र एक भक्ति भाव और स्नेह प्रेम की निर्मलता के प्रतीक थे तो इस संसार में जितने भी कुकवि हुए हैं सुकवि हुए हैं सभी नर नारी हुई हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं जो भी कवि होते हैं दोस्तों वह अनेकों प्रकार से जब राजमहलों में पहले रहते थे तो राजा का गुणगान करते थे राजा के समस्त जो दिन भर के जो कार्यकलाप होते हैं उनकी रचना करते थे ताकि राजा उनसे प्रसन्न रहे, उनकी उनके आभूषण के बारे में उसके उनके खान पान के बारे में उनके चरित्र के बारे में उनके दैनिक जीवन के बारे में अनेक प्रकार की रचनाएं करते थे लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अनेक कवि और कुकव भी पैदा हुए हैं जिन्होंने केवल अपने निजी स्वार्थ को हित में रखते हुए परमात्मा यानी अपने राजा का की का वर्णन करके राजा का प्रोत्साहन बढ़ाया है और राजा का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की रचना से राजा को खुश करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएँ की हैं तो सूर हुए तुलसी हुए कबीर हुए रहीम रहीम हुए रैदास हुए तो अनेक प्रकार के ये कवि थे दोस्तों इन्होंने भगवान की भक्ति पर अपना ध्यान लगाया उसी के अनुसार तुलसीदास जी ने भी कुछ ही माने हुए ऐसे कवि हैं जो सुकवि के श्रेणी में आते हैं तो सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय चाल को पहचान कर सुंदर मीठी बाणी को सबका यथायोगी सम्मान करते हैं यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है कौशलनाथ जो सच्चिदानंद भगवान रामचंद जी हैं श्री रामचंद जो चतुर्शी हैं वह हर एक की अंतर आत्मा की बातें जानते हैं और उन्होंने इस संसार में जो इस सृष्टि में जो लीलाएँ की वह लीलाओं के लिए उनकी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वह लीलाएँ होती थी क्योंकि वह अंतर्भामी थी सर्व सर्वशक्तिमान थी लेकिन मानवीय रूप में उनका अवतरण कराने के लिए उनको मानव चेतना को जगाने का उन्होंने प्रयास किया तो तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रिश्ते हैं और पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धिवाला अपने को इतना एक आराधी जैसे सेवक स्वामी के लिए पूरा समर्थवान होता है तो इतना ज्ञान की प्राप्ति करने पर भी वह अपने को मलिन बुद्धिवाला मला कौन होगा कहते हैं तो सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हूँ कपाल उपल किए जल जान जी सचिव सुमति कपीपाल तो उन्होंने तुलसीदास जी ने दोस्तों कल के प्रसंग में था कृपाल श्री रामचंद्र जी जो है वह मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य अपने अंतकरण में रखेंगे जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान बन के बना कर के बहुत बड़े सेतु का निर्माण कर दिया और उसमें बिना ही परिश्रम के ही ऐसा लगता है कि वह परमात्माओं की कृपा थी तो उस सेतु को देख करके ऐसे कार्यों को बानर और भालुओं के द्वारा इस प्रकार के कार्यों को तो सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक हैं कि मैंने बंदर वालों की रचना की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के से पहले अनेक देवताओं की वंदना और उनसे एक क्षमा याचना मांगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण करने में उनके जीवन में अगर किसी प्रकार की कमी होती है तो उसके लिए उन्हें एक क्षमा याचना मांगी एक ढंग से मर्यादा को आगे चलाने के लिए जिस प्रकार से मर्यादा मुस्लिम भगवान राम जी के चरित्र चित्रों को उन्होंने रामचरित मानस के माध्यम से चे मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया तो बिना लज्जा संकोच के यानी कहने वालों का विरोध वह नहीं करते हैं कोई कुछ कहता है संसार में जब सृष्टि की रचना हुई परमात्मा ने मिश्रित रूप में इस भौसागर की रचना की जिसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ समाहित हैं और उनको हमको अपने जीवन में चैतार करना है सच सच्चरित्र को कैसे हम जीवन में अपनाएं सज्जनता का प्रतीक कैसे बने तो कृपाल श्री राम जी इस निंदा को भी सहते हैं कि सीता जी कि नाथ जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सेवक हैं तो ऐसे भगवानों की सेवा करने का जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो उन्होंने एक सांसारिक जीवन में स्वामी और सेवक के बीच में जो अपार स्नेह प्रेम भक्ति का रहसवादन होता है उसका समूल वर्णन किया है और वह यह भी कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली यानी मैं नरक भी मुझसे लज्जित हो गया अर्थात नरक में भी मेरे लिए कहीं जगह नहीं है तो स्वर्ग और नरक दो जगह हैं दोस्तों स्वर्ग में देवताओं का वास होता है और नरक में जितने भी पापी होते हैं ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है तो यह समझकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने कल्पित डर से भयभीत हो रहा हूँ किंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पर अटूट विश्वास मेरा है तो स्वप्न में भी इस पर मुझे ढिठाई और दोष पर किसी प्रकार का मुझे भय नहीं और किसी प्रकार का मैं इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता हूँ। तो बरम सुनी अवलोक सुचिर सुचित चखचाही भगत मोर मत स्वामी सराही कहत नशा होनी की रिजत राम जानदनी यानी वरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्री तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्रूपी चक्षु से जो उनके चारों दिशाओं में जो उनके चक्षुओं अंतर्यामी की तरह संपूर्ण दृष्टिवान हैं तो निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात वे मैं मैं चाहे अपने को भगवान का सिवा कहना कहता या कहलाता रहूं परंतु हृदय में मेरे अंतकरण में अच्छापन होना चाहिए और उसी अच्छेपन के परिणामस्वरूप श्री रामचंद्र जी के दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर लोग नहीं चाहते तो प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल याद नहीं रहती वह उसको पीठ पीछे कर देते हैं किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करते हैं और उसको कभी ध्यान केंद्र नहीं, नहीं करते हैं क्योंकि वह अंतर्यामी है उनको भक्त की वास्तविकता का मालूम अगर नहीं होता तो कागभूषणी जैसे कौआ जिसको छूना भी लोग अपित्र मानते हैं उनको जो ज्ञान से उन्होंने तुप्त कराया जो अपार ज्ञान की प्राकाष्ठा शो का भूषणी जी ने लंबे समय तक सत्संग देने का जो भाव प्रदान किया मर्यादा पुष्प भगवान रामजी की भक्ति के में कितने सालों हजारों सालों तक उन्होंने कव्य के रूप में जन्म लेने का प्रसाद प्राप्त किया उसी में वह निमग्न रहे तो रहती न प्रभु चित्त चूक किए की करत सूरत सही बार ही कि ही जय अगर बदेऊ ब्याध बिंबाली फिर सुकंठ सोई तो की नुचाली प्रभु के चित्त में अंतर चेतना में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती वह कभी इसकी अपने भक्तों को उनको पूरा विश्वास होता है और वह अगर कभी ऐसा दिखाई भी देता है तो उसको पूर्ण रूप से भूल जाते हैं और उनके हृदय में उनके अंतर्गण में जो नीक बातें होती हैं अच्छी बातें है, बाते होती हैं सुचिता की बातें होती हैं वो सौ सौ बार वो याद करते हैं हमेशा याद करते हैं इसीलिए हनुमान जी विभीषण जी सुग्रीव जी जटायु अहल्या गणिका अनेक प्रकार के जो भक्त थे जिन्होंने मर्यादापुर भगवान राम जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की शबरी के बेर उन्होंने मीठे मीठे बेर झूठे बेर जिनको कुछ भी पता नहीं था क्या झूठा होता है क्या सही होता है तो परमात्मा ने उसको ग्रहण किया तो प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक कभी भी वह स्मरण नहीं रखते हैं याद नहीं रखते हैं हाँ उनकी जो भलाई है अच्छाई है अच्छे गुण जो होते हैं जो नीक गुण होते हैं जो प्रशंसनीय गुण होते हैं उनको वह स्व बाल याद करते हैं जे ही अग्र बधे उन ब्याज जी में बाली जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को बाली को ब्याज की तरह मारा मतलब निशाना चूक यानी निशाना लगा करके उसका भी यही था कि दोस्तों बाली ने अपने भाई की पत्नी को स्वीकार करके उसको डरा धरा करके भयभीत करके तो अनाचार का अनाचार किया था जिसके प्रणाम सुमर्दा पुस्तों भगवान राम जी को सुग्रीव का साथ देना पड़ा और रावण जैसे अहंकारी जो जिन जीवन भर हमेशा बैर भाव से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे तो ऐसी कुचाल फिर सुग्रीव ने भी जो है अपने जीवन में चली और अंगद को भगवान के समर्पण बाली को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो वही करनी वही विभीषण की थी परंतु श्री राम ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी से उनका सम्मान किया और राम यानि राजसभा में भी उनके गुणों का पूर्ण रूप से बखान किया तो इसके तब विभीषण जी भी एक जगह कहते का हैं सुंदरकांड में मैं निश्चिचर अति अधम शुभाऊ शुभ आचरण कीन नहीं काऊ स्वरूप मुनि ध्यान न आवा ते प्रभु हर सिदय सोई बाबा तब वह कहते अहो भाग्यम अमित अति राम रामकपा सुखपुंज देख नयन विरंच शिव शैविजुगल पदकन तो हनुमान जी से जब वह लंगा में पहुंचते हैं तब वह कहते हैं तो ममता तरुण तभी अधियारी राग द्वेष उलूक तो तब लगी ज, तब लगी बसती जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रविना अब मैं कुशल मिते भय भारी देख राम पद कमल तो सुनऊ सखा निज कह स्वभा जान भूषण शंभु जो नर हो इस द्रोही आवे सभय शरण तकी मोही वह जो है अपने पाप को दूर कर सकते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद जी अच्छाई के सभी अच्छाइयों में सबका भला करते हैं यानी सबका कल्याण करने वाले हैं और यदि यह बात सजय तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जीवन हमेशा धन्य रहेगा एक बिली निर्घन दोष कही समय बहु ऋषि आय बर नघुबर विशद जसू शून्य कलिकलोषणा तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि दोस्तों अपने गुण दोषों को कहकर सबकी सबको फिर सीधो सीधे नवा कर प्रणाम करके आराधना करके भगवान का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल और यश का गुणगान करके जिनके सुनने से कलयुग के समस्त पापों का अंत हो जाता है तो ऐसे परमात्मा मुझे हमेशा क्षमा करेंगे मुझे अपना अपनी कृपा अपने, अपने सानिध्य में रखेंगे और मैं जो भी भाव उनके लिए अपने अपने विचारों का मंथन करके उनके भावों की गणना करूंगा तो वह किसी भाव से मुझसे नाराज़ नहीं होंगे यानी किसी भाव से वह रुष्ट नहीं होंगे हमेशा वह क्योंकि प्रभु राम के चित्त में भक्तों की भूल चूक को वह कभी याद नहीं रखते हैं वह हमेशा नीकी और अच्छी भली शुचिता की बातों को सौ सौ बार ऐसे भक्तों का अपने अंतकरण में ऐसे भक्तों को विराजमान करते हैं और उनको सुख का जीवन देते हैं इसीलिए मर्यादा प्रस्तुत भगवान राम जी चौदह साल का वनवास लिया और जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मानव चेतना का कल्याण करना तो दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप आज का पंचांग आज 18, 19 नवंबर दो नवंबर नवम्बर और मासी माँ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन आज चतुर्थी दोस्तों पाँच बज के मिनट से उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे योग साध्य योग का दो बज के पचपन मिनट तक उसके बाद शुभ योग करण बालो पाँच बज के अट्ठाइस मिनट तक उसके बाद कौलो पाँच बज के दो मिनट बाद में तैतिल यानी आज के अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें तो ग्यारह बज के पचास मिनट से बारह बज के तैंतीस मिनट तक शुभ कार्य को करना शुभ माना गया है आज के अमृतकाल की बात करें तो छः बज के यानी पाँच बज के अट्ठारह मिनट से छः बज के पचास मिनट तक और ब्रह्म मुहूर्त आज पाँच बज के पाँच मिनट से पाँच बज के अड़तालीस मिनट तक राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है दो बज के छियालीस मिनट से चार बज के छः मिनट तक तो सूर्योदय और सूर्योदय दोस्तों आज छः बज के सैंतालीस मिनट का और सूर्यास्त जो तो तो है पाँच बज के छब्बीस मिनट तक होगा इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का तो आज दोस्तों मंगलवार का दिन है मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है हनुमान जी की का व्रत रखा जाता है उपवास रखा जाता है तो मर्यादा बच्चों में भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपार शक्ति से संचित किया और जिसके परिणाम से उन्होंने सारे जो सीता की खोज और पूरा जो कार्य थे संजनी बूटी से लाने तक लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो अनेक प्रकार के ऐसे शक्तिशाली कार्य किए जो साधारण मानव नहीं कर सकता है तो भगवान का आशीर्वाद था उनको इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आज शुभ माना गया है हनुमान जी का स्मरण करना इस सृष्टि में दोस्तों ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हनुमान जी को भगवान राम जी ने हमेशा के लिए अमर होने का वरदान दिया है और वह सृष्टि में हमेशा विराजमान रहेंगे और खासकर तौर से दोस्तों कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे सामर्थ्यवान बताई गई है तब हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना आज शुभ माना गया है श्री गुरु चरण सरोजल निज मन मकुरु सुधार वर्ण रघुबर विमल सौ योदायक फल चार बुद्धिहीन तम जानकी स्वेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्याधि हरोंगल इस प्रकार तो हनुमान जी इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं और तब कहा है जय हनुमान ज्ञान सागर जय कभी तिर लोग उजागर बल अत बलनामा अंजनपुर पौष नामा, नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के समाप्त कुमति को समाप्त करने वाले और सुमति को साथ देने वाले कंचन वरण विरासा कान के तो हाथ और धजा विराजे वो हनुमान जी जो है जिनकी हाथ में वज्र है और ध्वजा है कांधे मुंह जनेऊ साधे कंधे में उनका पवित्र जनेऊ है शंकर सुन की श्री नंदन तीज प्रताप महाजग विद्या गुणी अति चातुर राम काज कर वे कुछ प्रभु चरित्र सुनवी को रशिया राम लघु सीतावनशिया तो इस प्रकार हनुमान जी ने प्रमुदिका मेरुंगाई जय नागे अचरनाही का जगत की तिथि सुअनुग्रह तुम रे तिथि राम दुलाे तुम रखवाले हुत ना ज्ञान बीन पैसारे सपुर रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षा का हनुमान ते पर प्रणाम राम काज की नि विना वो भी कहाँ मिश्राम ताको प्रभु को स्वागम नहीं जाबर में तुम अनुकूल तो बड़वाली बढ़वाली जा सके भल तो इस प्रकार दोस्तों आज यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और मंगल जो है की प्रकृति उग्र होती है और यह दिन हनुमान जी की मांगलिक और मंगल देव को समर्पित है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है मंगल और इनका बार बार मंगल जिसके मंगल कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति नहीं होती है उनको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए मंगलवार के प्रति के दिन नमक का सेवन करना वर्चित माना गया है और यह ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का मानक माना गया है और शक्ति के प्रतीक के रूप में है और हमारे शास्त्रों में दोस्तों हनुमान जी की आराधना की गई है हनुमान चालीस का हनुमान जी को दीपक प्रज्वलित करके माला और लड्डुओं को अर्पित करके उनका भोग लगाना चाहिए मंगल जो है मंगल का मतलब होता है कि शुभ मंगल को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह व्यावहारिक होते हैं भरोसेमंद होते हैं और मंगलवार को चमेदी का तेल भगवान पर चढ़ाना चाहिए सुख समृद्धि का देवता माना गया है मंगलवार को बाल कटवाना और किसी प्रकार के नाखून काटना वर्जित माना गया है मंगलवार को बेसन के लड्डू जो है भगवान हनुमान जी का स्वरूप है फलों को भगवान को सेव चढ़ाना चाहिए तो हनुमान कृपा शक्तिशाली और बुरी शक्तियों को हमेशा हमारे जीवन से दूर करते हैं और हमें समृद्धि प्रदान करते हैं तभी कहा है कि श्री गुरु चरण स्वरो निजन मघु सुधार वर्णों रघुबल विमल सौज उदय कलता मन रूपी दर्पण को पवित्र करने और श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन हनुमान जी करते हैं और जो चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति देने वाले हैं तभी कहा है नास हरेष पीरा जोश में हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान घुसाई कृपा करो देवनाई अष्ट सिद्धि नौ निखिला था भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बनाया और विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर्वी को आतुर रामचंद्र के काज के काम को करने के लिए हनुमान जी बहुत आतुर रहते थे तो यह संबार जासुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा तो हरण कली हरण कठिन कलि कलुष कलेशु महा मोह निशी दलन दिनेशु सकल विघ्न व्यापहित न तो इस प्रकार भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करने का श्रेय है और इसे हमारे मंगल दोष रामचरित मानस में दोस्तों जो वास्तविक प्रसंग है हमारे जीवन में दोस्तों बाह्य और आंतरिक प्रकाश की नितान्त आवश्यकता है मर्यादा पुस्तकों भगवान राम जी अंतर्यामी थे हनुमान जी विभीषण जी सुग्रीव जी जितने भी साधु सन्यासी थे सनकादि मुनि थे विश्वामित्र थे वशिष्ठ जी थे और अपने माता पिता गुरु बंधुओं और प्रजा की रक्षा सेवा धर्म उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था तो इसके लिए दोस्तों बाह्य और आंतरिक प्रकाश की आवश्यकता होती है क्योंकि हम दीप प्रज्वलित आदि संस्कृतियों का अभिन्न अंग रहा है दीप प्रज्वलित करना जब हम कोई भी शुभ कार्यों को करते हैं तो हम हमेशा परमात्मा का नाम लेकर के उनको साक्षी समझते हुए दीप प्रज्वलित करते हैं क्योंकि अपने जीवन में अज्ञानता को इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी अपने अज्ञान को समाप्त करने की मर्यादा कृष्ण भगवान की आराधना की तो धार्मिक अनुष्ठान किसी भी पंथ का हो दीप प्रज्वलन के बिना आज भी दोस्तों सम्पन्न नहीं माना जाता है तो जिस प्रकार दीपावली गुरु नानक जयंती हमारे प्रमुख दीप पर्व हैं और जगमगाती आवासीय और कार्य परिसर जनमानस की हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति देते हैं उनमें आज एवं उनमें एक प्रकार की आशा और उत्साह का संचार होता है तो यानी आवासीय यानी आवासीय शैक्षिक और दैर्क भवन यहाँ तक कि नाम की संयंत्र का शिलान्यास शिलान्यास या किसी भी कोठी की संगोष्ठी का उद्घाटन हम अनिवार्यतः दिया जलाकर के ही शुरू करते हैं इसीलिए जब प्रसन्न भगवान रामधन जी चौदह वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आए थे तो अनेक प्रकार के दीप प्रज्वलित की दीपावली मनाई गई थी तो प्रज्वलित दीप ही हमारे परिवेश में नकारात्मकता को निराकृत कर देते हैं और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और जो हमारी दैविक शक्तियों का आगमन हमारे आसन पर हो जाता है और दैनिक और जिसके परिणामस्वरूप अधिसंख्य जो अधिकांश जो लोग होते हैं उनके जीवन में क्लेश है अनेक प्रकार के विवाद हैं बुराइयां हैं भ्रांतियां हैं संशय है और यानी दम्भ है अहंकार है तो उससे हमको मुक्ति मिल जाती है तो उसका उद्देश्य विविध ज्ञान का यानी जीवन में परम उद्देश्य और उसकी अधिप्राप्ति के आवश्यक साधनों और विधियों का ज्ञान हमको तभी होता है तो उद्देश्य की स्पष्टता के सुसंगत सोच अच्छी सोच अच्छे कार्य पवित्रता का मानक जिसे सभी का कल्याण हो रहा हो उद्देश्य की स्पष्टता से सुसंगत शु, शु, सोच और उसी अनुरूप संगत निर्मित करेंगे तो अभीष्ट की प्राप्ति तभी हमें होती है यानी रामचरित मानस इसीलिए दोस्तों इतना प्रसिद्ध माना गया और इसीलिए रामचरित मानस की गणना की गई तो प्रकाश ज्ञान और देवत्व का प्रतीक माना गया है अंधकार कितना भी हो एक जलते दिए से लुप्त हो जाना हो जाता है तो अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने में दीपक की भूमिका निर्विवाद होती है तो यह दीप बुद्धि और विवेक का है जो एक और व्यक्ति का प्रभु से नैकट्य यानी निकटता स्थापित करता है और दूसरी ओर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है तो आवरण धोखा दे सकता है बाही चमक दमक और लिपापोती की आतुरता में अंतकरण की अपेक्षा हो सकती है अपने मूल दैविक रूप को पहचानने निखारते रहें पहचानते रहें और जीवन को सार्थक तभी जीवन हमारा सार्थक हो सकता तो आवरण धोखा हमें दे सकता है और बाई दमक हमको लिपापति के लिए आतुर कर सकता है लेकिन अंतकरण की जो इच्छाएं होती हैं वास्तविकता होती है उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है तो अपने मूल दैविक रूप को पहचाने और निखारते रहें कि जीवन सार्थक हो जाएगा तो इसीलिए तुलसीदास जी ने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की बालकांड में अनेक प्रकार से याचना की है प्रकाशवान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ रहने के लिए साधक अपना मार्ग स्वयं तुलसीदास जी साधक के रूप में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं अपनी भूमिका को तैयार करते हैं भक्ति की भूमिका की ढाल को बनाते हैं उसकी भूमिका को तैयार करते हैं उसकी रचना को प्राप्त करते हैं तो जीवन सार्थक से सार्थक इसीलिए उनका हुआ इसीलिए रामचरित मानस को पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को रामचरित मानस इसलिए कहा गया है तो प्रकाशवान रहने के लिए और साधक को अपना मार्ग स्वयं तैयार करने के लिए यानी अपने आप को दीप के समान समझो अपो दीपो भव अप दीपो भव यानी दूसरा व्यक्ति हमारी सदबुद्धि का दिया नहीं जल जला सकता है हर एक व्यक्ति अपने अपने सदबुद्धि का दिया जलाने में समर्थवान होगा इसकी उत्कंठा इसकी अपेक्षा हमारे भीतर से जब तक तो उठेगी नहीं इस प्रकार की उद्गार इस प्रकार की सोच इस प्रकार के भाव हमारे अंतकरण में जब उत्पन्न होंगे तो सम्मति के द्वार भीतर से बाहर की ओर खुलते हैं हमारा ये सोच और हमारा आवरण हमारा चिंतन और यही हमें ईश्वरी विधान के जितना हम नजतिक रहेंगे उनके तटस्थ रहेंगे उनके अनुसरण में रहेंगे उसका अनुपात हम में ईश्वरीय प्रकाश से हम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं लाभान्वित हो सकते हैं अपने जीवन को चैतार्थ बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो इसीलिए दोस्तों आज के रामचरित मानस के प्रसंग में वास्तविक सौंदर्य जो है हमारे जीवन का होना चाहिए वही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है यानी भावात्मक मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समृद्ध करना अपने आप को सौंदर्य की खोज से हमें अपने भीतर और बाहर के सौंदर्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम जीवन की समग्रता का अनुभव कर सकें और जिस प्रकार महात्मा गांधी ने यथार्थ को यथार्थ रूप में कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर सत्यता होती है सच्चाई होती है प्रेम होता है सहानुभूति होती है वही सच्चे अर्थों में सुंदर काल आता है वास्तविक आता है तो इस प्रकार दोस्तों रामचृत मानस में हमको हम जितना भी कहते हैं बोलते हैं सुनते हैं अपने जीवन में अवतीत करते हैं यह हमारे लिए कम हो जाता है तो तुलसीदास ने कहा है जाग बलि को कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरस सुनाई कहु सोई संवाद बखानी सुनो सकल सज्जन सुकमानी आज के प्रसंग में है दोस्तों यागबल के जो कथा याग मुनि याग्वल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी याग्वल्क जी और भरद्वाज जी का प्रवेश हो गया है तो भगवान के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने अनेक कथा का भंजन किया था अपार ज्ञानी मुनि थे और याग्वल्क जी और भरद्वाज ने रामचरित मानस में उनका पूरा योगदान रहा तो भरद्वाज मुनि सुनाई भरद्वाज ने को सुनाई थी यागवल्क जी ने सोई संवाद बखानी उसी संवाद को तुलसीदास जी कहते हैं बखान कर मैं भी कहूँगा क्योंकि प्रत्येक मानव एक दूसरे के भावों से अपने को अपने ज्ञान को अर्जित करता है इसी प्रकार तुलसीदास ने अनेक काल्पने अनेक कल्पनाओं को अनेक भावों को अनेक प्रेरणाओं को अपने जीवन के लिए सजो कर रखने का प्रयास किया सुनो सकल सज्जन सुख पानी और यह सज्जन जो जिसमें सज्जनता होती है वह दूसरे के अच्छे भावों को अच्छे स्वरूप को अच्छे विचारों को सुनकर के सुनने का अनुभव करते हैं इसीलिए काग जी के आश्रम में भगवान शिव भी हंस बन करके वहाँ पर अवतरित हुए तो शम्भुकीन यह चरित सुहावा बहुल कृपा करी उमय सुनावा सोई शिव काग भूषण दीना राम भगत अधिकारी तब शिव जी ने पहले इस स्वभाव इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी, जी को सुनाया वही चरित्र जो है सोई शिव कागभूषण जी देना वही चित्र वही चैत्य जो है शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया राम भक्ति की वास्तविकता को अपने जीवन में कैसे काकभूषण ने चैतार्थ किया ते सन जाग बलिक पुण्य पावा तीन तीन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा ते श्रोता भक्ता समलीला समलीला समशीला ते श्रोता भक्ता समशीला समदर्शी जानी हरिला तो ते सन बल्क जाग बालिक पुण्य आवा तो वो उन का जी ने फिर याग बल्क जी जो ऋषि थे उन्होंने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया वे दोनों वक्ता श्रोता ज्ञानी और सुधीर जन जो थे याग्वल याग्वल्क जी और भरद्वाज जी जो भगवान राम सिंह के सानिधि में अनेक प्रकार से उन्होंने शुच्ता के भावों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है तो समान समदर्शी जानी हरी हरी लीला समान शील वाले और समदर्शी हैं और हरी की लीला को जानते हैं जान ही तीन काल निज्ञाना तल गति आमल समाना और जे हरि भगत सुजाना करें सुने समझ विधि तब वह कहते हैं कि जान ही तीन काल निज ज्ञाना वे अपने ज्ञान से यागवल्क जी और भरद्वाज जी अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं जिसका आंवला में चिकनाई होती है और वह जब हथेली में रखा जाता है सुंदर दिखता है तो वह इस प्रकार के ज्ञान को हमेशा अपने हथेली में मानव कल्याण के रखते हैं और ऊँते हरि भगत सुजाना और भी जो सुजान हैं भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं उनके मंतव्य को जानने वाले हैं उनकी कृपा पात्र को जानने वाले हैं उनकी दयालुता को जानने वाले हैं वह भक्त जो हैं कहें सुनें समझ विदाना इस चैत्र को इस राम रूपी चैत्र को नाना प्रकार से कहते हैं सुनते हैं समझते हैं और मानव लोक कल्याण के लिए इसको चैतार्थ करते हैं मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सु कथा सो सुख रखे समझी नहीं नशीबालपनों तब अति रहूं अचित तब वह कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण जवानी की आ के आगोश में होने के कारण बहुत बेसमझ था मुझे समझ नहीं थी कि परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कैसे भावों का कैसे हमको अपने जीवन को चितार करना चाहिए तो तब अति रहूँ अचेत इसको इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं बुझा नहीं क्योंकि जीवन में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं एक जीवन ऐसा होता है जिसमें समझ की कमी होती है लेकिन मर्यादा प्रशूत्र में भगवान राम जी ने अपने जीवन का हर एक पल जो है मानव धर्म मानव कल्याण मानव चेतना और मानव में सद्भावों के की उत्पत्ति के लिए किया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ जिम्मे समझो मैं जीव जड़ाओ कल मल श्री तो श्रोता भक्ता ज्ञान निधि श्री रामचंद्र की कथा जो हम उनकी सार रूप को जानते हैं गुड़ता को जानते हैं अगर उसका हम संपूर्ण मन वचन और कर्म से उनके भावों का चिंतन करते हैं कहने वाले सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं जो उनकी मर्यादा उनके जीवन के बातों को सुनते हैं और कहते हैं वो हमेशा धन्य है कि मैं समझूँ मैं जीव जड़ो कलिमल श्री ब्रम तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कलयुग के पापों से गुस्सा हुआ महामूढ़ जीव हूँ क्या भला उनको कैसे समझ सकता हूँ अर्थात मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं परमात्मा के वास्तविक स्वभाव को उनकी वास्तव को जान सकूँ लेकिन प्रयास करना परमात्मा के प्रति स्नेह करना उनके सानिध्य में रहना उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करना और सुहानी चीज़ों को का निर्माण करना और जिस प्रकार याग्वल्क जी और जी को अपार ज्ञान था तो उन्हीं ज्ञान के स्वरूप तुलसीदास जी ने उनका सूक्ष्म रूप में जो वर्णन किया है तो संपूर्ण रामचरित मास में यागबल जी और भरद्वाजी का प्रसंग आता है दोनों आश्रम यानी परमा मर्यादाप भगवान राम जी के भक्त हैं और का जी से फिर यागबल के जी ने पाया और उन्हें फिर उन्हें भरद्वाजी को गाकर सुनाया यानी का जी को इतना ज्ञानी भगवान जी बनाया था इतना प्रिय बनाया था तो दोस्तों हम निश्चित रूप से अपने मन वचन और कर्म से अपने स्वभाव से यही कह सकते हैं कि मर्यादा भगवान राम सिंह की जो भाव थे जो सोच थी तुलसीदास ने उनकी सोच को जिस प्रकार से विस्तार से सुनाया है तो भूषण जी जैसे एक नीच पक्षी को उन्होंने जिस प्रकार ने हृदय से लगाया उनको इतना ज्ञान दिया जिस ज्ञान जो को सुनने के लिए याग के जी और भरद्वाज जी जैसे मुनियों ने उनके सानिध्य को प्राप्त करके एक दूसरे को उनकी कथा का वर्णन कराया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो भी श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले हैं सुनने वाले हैं और उनकी मर्यादा के अनुकरण करने वाले हैं वह अपार खजाना उनको प्राप्त हो जाता है वह अपार ज्ञानी हो जाते हैं इस कलयुग में दोस्तों पापों को गुस्सा हुआ महा जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता है जिस भी मानव के अंतकरण में अगर इस कलयुग में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह धन्य हो जाता है तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरित मानस के बालकांड का प्रसंग चल रहा है तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया हमको अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है और कलयुग में अपने सामर्थ्य को संजो कर रखने के लिए हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को सुख का अनुभव करने के लिए परमात्मा की सानिध्य में रहने का प्रयास करें और शिवजी से पहले इन गुरु को सुहा चैत्र में जिस प्रकार से रचा है और उन्होंने भी पार्वती जी को ऐसे भावों को रामचरित की गाथा को सुनाया वही चैत्र शिवजी ने का जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया तो का जी को जब लंबे समय तक सत्संग के लिए शिवजी द्वारा ही भेजा गया था और गरुड़ जी को भी काव्य के बाद भेजा यागवल जी और भरद्वाज जी ने जब काकसुनि के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुना तो तब उनको कलयुग यानी वो महान बने और उनको रामचर मास को कहने की सुनने की और उनकी गाथा गाने की और कलयुग के पापों से मुक्ति प्राप्त करने का बल प्रदान प्राप्त हुआ दोस्तों आपने बाणी को विराम देते हुए सबके मंगल की कामना करता हूँ सब लोग सुखी रहें खुश रहें मर्यादा राम रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे